हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग फोन वन एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में ना वाईफाई को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, वो भी क्यूआर कोड से। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन का क्विक पैनल ओपन करना है। ऊपर से नीचे आप स्वाइप करेंगे तो आपका ये पैनल ओपन हो जाता है। इसमें आपका ये वाईफाई का जो आइकन होता है, इसे टैप करना है, यानी उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, तो आपका ये पेज आएगा। इसमें आपको वाईफाई के सामने जो बटन है, इसे पहले आपको चालू कर लेना है। इसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऐड नेटवर्क के सामने जो ये ऑप्शन है स्कैनर का, इसे टैप करना है। तो ये आपके वाईफाई का स्कैनर होता है। तो आपको करना क्या है, इस वाईफाई के स्कैनर से सामने वाले पर्सन का जो क्यूआर कोड होगा ना वाईफाई का, उसे आपको स्कैन करना है, जिससे आपके फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। तो ये तरीका होता है अपने मोबाइल फ़ोन में वाईफाई को कनेक्ट करने का, क्यूआर कोड से। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ सामने वाले पर्सन के मोबाइल फ़ोन में क्यूआर कोड आपको कहाँ पर मिलेगा। देखिए, सामने वाले पर्सन के मोबाइल फ़ोन में आपको जो है ना इस वाईफाई के पेज पर आ जाना है। तो जो इस वाले वाईफाई वाले पेज पे सामने वाले पर्सन का जो वाईफाई कनेक्टेड होगा ना, इस कनेक्टेड वाईफाई के सामने ये सेटिंग का आइकन होता है, इसे टैप करना है। अभी यहाँ पर आपको शेयर का ये ऑप्शन दिखेगा या फिर क्यूआर कोड लिखा होगा सामने वाले पर्सन के मोबाइल फ़ोन में, आपको उसे टैप कर लेना है। तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन लॉक मांगेगा, स्क्रीन लॉक एंटर कर देना है। ठीक है, देखिए जैसे आप स्क्रीन लॉक एंटर करेंगे ना, सामने QR कोड आ जाएगा इस तरीके से वाईफाई का। ठीक है, तो इस वाले QR कोड को अपने वाईफाई के स्कैनर से स्कैन करना है। ठीक है ना,